साथ ही मैं आपको एक डॉक्टर आतिफ असलम राव साहब जो हैं, इनकी लाइफ का भी एक टर्निंग पॉइंट दिखाती हूँ। बल्कि आ जाए बेटा, आज ही माशाल्लाह अपनी है भाई, बच्चे जो हैं वो आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट होते हैं। आए बेटा, माशाल्लाह ये हमारी वहाँ बेटी बैठी थी, आज अपनी बेटी और मामा ने इनको इतना प्यारा तैयार करके भेजा है। आ जाए, बैठ जाए यहाँ पे। ए शाबाश, और माइक दे दे जरा मुझे। अच्छा माशाल्लाह, नाम क्या है डॉक्टर साहब इनका? फातिमा। बाबा का प्रोग्राम देखती हैं? हाँ, आप सिर्फ आप देखती हैं कि मामा भी देखती हैं घर में? नहीं, इसमें माइक पे बोले। हाँ, मामा भी देखती हैं। मामा भी देखती हैं। फिर कुछ कहती हैं मामा, कमेंट करती हैं? जी। क्या क्या कहती हैं? बाबा का प्रोग्राम देख के आज बहुत थके हुए लग रहे हैं, मैंने मना किया था फिर भी चले गए। नहीं कहती है, ये नहीं कहती। फिर बाकी मैं इन्वेस्टिगेट ज्यादा नहीं करती, ऐसा ना हो कि घर के मसले शुरू हो जाए। डॉक्टर साहब जी, कुछ शेयर करेंगे? हाँ जी। और माशाल्लाह इन्हें मुझे पता है, ये इन्होंने मेरा जब इंट्रोडक्शन कराया तो उन्होंने बताया इन्हें ईमान मुफस्सिल 3 मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में याद है। और आप जब सुनाएंगी ना हमें, हमारे ईमान ताजा करेंगी, और हम इसी के साथ फिर ब्रेक पे जाएंगे। ठीक है? ठीक है, तो आप हमें सुनाएं। آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. I believe in Allah and His angels, in His books and His prophets and the last day, and everything good or bad is decided by Allah in life after death. मैं ईमान लाती हूँ अल्लाह पर, उसके फरिश्तों पर, उसकी किताबों पर और उसके रसूलों पर, और क़यामत के दिन पर कि अच्छी और बुरी तकदीर खुदा ताला की तरफ से है, और मौत के बाद उठाए जाने पर। बेशक बेशक, माशाल्लाह। लाएं जी इसके लिए गिफ्ट हैम्पर, लाएं जामे शीरी का, ब्रिज पार बैटरीज का, लेकर आए। और इसी के साथ हम एक जी ब्रेक ले रहे हैं। खुदा करे कि जिस बच्ची ने जो तर्जुमा हमें पढ़ के सुनाया है और ईमान मुफस्सिल कितनी खूबसूरत अंदाज से पढ़ा है, हम सबको अल्लाह ताला उस पर उसी तरह से ईमान लाने की तौफीक अता